हम लोग जो है काफी दिनों बाद मिट्टी मिटका का एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो दवा है मैंगनम एसिटिकम या एसिटेट और कार्बोनेट ऑफ मैंगनीज। पीरियोडिक टेबल में मैंगनीज आयरन के काफी नजदीक, ठीक है। यहाँ से आप लोग जानते ही हैं कि एटॉमिक वेट, जिसकी जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई एटॉमिक वेट के उस पे, और इसको जो है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एंड अबव टू डाउनवर्ड, तो आप यहाँ पे देखोगे कि अल्कली मेटल्स हैं। फिर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्या है, हैवी मेटल्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे गैसेज हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता है। मेरा सिर्फ फोकस ये है कि आपको मैं यहाँ पे फोकस करा रहा हूँ कि मैंगनीज को जो सबसे पहले हनीमेंसन लेके आए मटरिया मेडिका प्यूरा में। ये जो दवा है मैंगनीज, ये एक ऐसी दवा है जो दोनों उनके वॉल्यूम में मिलेगी आपको, प्यूरा में भी मिलेगी और क्रॉनिक डिजीज में मिलेगी। इसका मतलब है ये एक एंटी सोरिक मेडिसिन है, ठीक है। इट विल बी फाउंड, यानी ये एक्यूट कंडीशन में भी यूज हो सकती है और क्रॉनिक कंडीशन में जहां पे एंटी सोरिक की जरूरत है वहां पे यूज हो सकती है। इट विल बी फाउंड टू बी वेरी एफिकेसियस स्पेशली इन सम इनटॉलरेबल पेन इन द पेरियोस्टियम। तो यहाँ पे जो स्फेयर ऑफ एक्शन है, अगर हम उसकी बात करें, तो वो स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ है, बोन और जो बोन की आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग पेरिओस्टियम बोलते हैं वहां पे। इसकी लारिंग्स पे है एंड ट्रैकिया पे है, और ये एक काम करेगा जो सेंसेस को डिम कर देगा, डिमनेस कर देगा। अभी इस पे और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ये दवा आप पढ़ो और इसको अप्लाई करना सीखो। एनीमिया प्रोड्यूस करना, मैंने आपको पीरियडिक टेबल में दिखाया कि फेरम के नजदीक है। लैरेंजियल थाइसिस, मतलब लैरेंस में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई वहां पे ये काम करेगी। क्लोरोसिस अगेन इज ए सिम्टम ऑफ एनीमिया इफ गैस्ट्रिक सिम्टम एंड लॉस ऑफ एपेटाइट प्रीडोमिनेंट, लेकिन कब, क्लोरोसिस के केस में। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी फील एक्सट्रीमली सोर सोर व्हेन टच्ड, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, दिस इज ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरी ऑस्टियम। देखो यहाँ पे बोन है, तो बोन है तो पेरी ऑस्टियम है, तो बोन अगर पेरी ऑस्टियम में टच करोगे पेन होगा। एवरी पार्ट ऑफ बॉडी फील एक्सट्रीमली सोर व्हेन टच्ड, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स आर ज्वाइंट विद नाइटली इनसेपरेटेबल डिगिंग पेन। इट इज ए सिफिलेटिक कंडीशन बिकॉज नाइट पेन इज रिजेम्बलेंस ऑफ मर्कसॉल, बट इट इज नॉट मर्कसॉल, इट इज ए वेरी डीप एंटी सोरिक मेडिसिन। इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग एंड सपोरेशन, बोन्स आर वेरी सेंसिटिव, रेड स्पॉट ऑन स्किन फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स, एंकल पर्टिकुलरली अफेक्टेड। जो बच्चे लेट अने होते हैं, जो बच्चे देर से चलते हैं, तो वहां पे हमको इंक्वायर करना चाहिए, हमको इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या वो उनका एंकल वीक तो नहीं है। पेरियोस्टियल इन्फ्लामेशन एक्सट्रीमली पेनफुल एट नाइट। फिर वही देखो बात आ गई मेलिग्नेंट। एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्लाइट इंजरी हुई और स्लाइट इंजरी होने के बाद मेलिग्नेंट अल्सर विद ब्लू बॉर्डर, दिस इज अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ मैंगनम। यहाँ पे टच से और टच और इंजरी, तो टच आईलिड पेनफुल, मतलब यहाँ पे हर चीज पेनफुल है। इवन पेशेंट कहेगा कि मैं अपनी हील को नीचे जमीन में रख नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे हमको जो की पॉइंट है या की है वो है बोन, बोन में भी क्या, पेरी ऑस्टियम। अभी इसको और एडवांस बताएंगे बोन में क्या है।
इसका डॉक्टर हरमेन सर ने कहा, इल ह्यूमर्ड सो दैट द मोस्ट जॉयफुल म्यूजिक डज नॉट चीयर अप, उसको सैड म्यूजिक पसंद है लाइक नाइट्रम्यूर मोस्ट, बट ही फील एज इफ रिफ्रेश्ड बाय द मोस्ट, उसको दुख भरे गाने अच्छे लगते हैं, छोड़ गए बालम हाय अकेला छोड़ गए, इस टाइप की उसको बहुत ही सैड म्यूजिक पसंद है। इन द मॉर्निंग रिंकल्ड फोरहेड, रिंकल्ड फोरहेड ये सब जैसे सिकुड़ा हुआ लाइक नक्स वोमिका, बट दिस इज नॉट नक्स वोमिका, नक्स वोमिका इज मोर सुपरफिशियल, इज मोर नॉन एंटीसोरिक, इज एंटीसोरिक, अगेन मैं बार बार बोलूंगा, एंड श्योरली एंड क्रॉस एट एवरी ट्रिफल्स इवन द टॉकिंग ऑफ अदर्स मेड हिम एंग्री, आपको यहाँ लगेगा नक्स वोमिका है बट नक्स वोमिका ये नहीं है, ये है मैंगनम, मैंगनम का काम है बोन। एम्बिटर्ड ह्यूमर, ही कुड नॉट फॉरगेट इनजस्टिस डन टू हिम, ही फॉस्टर्ड रिसेंटमेंट फॉर लॉन्ग, वो अपने को उसको जो है जैसे इसकी हीलिंग स्लो है, उसी तरह इसका कोई भी चीज किसी ने कुछ उसके साथ गड़बड़ किया उसको याद रखेगा। ग्रेट रेस्टलेसनेस ऑफ बॉडी एंड डिस्पोजिशन एज इफ समथिंग बॉदर्ड यू। अब देखो मैं बोन की बात कर रहा था, आप जब डॉक्टर बोरिक से पढ़ते हो इसको, मैंगनम एसिटिकम, मैंगनीज एसिटेट, मैंगनम कॉज एनीमिया विद डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को डिस्टर्ब कर देना, उसकी वजह से जॉइंटिस हो सकती है, नेफ्राइटिस प्रोड्यूस कर सकता है, फैटी जैसे हम लीवर प्रोड्यूस कर सकता है, पैरालिसिस एजिटेंस जिसको हम लोग पार्किंसंस के नाम से जानते हैं, सेलाइटिस सब एक्यूट स्टेज, प्रमोट सपोरेशन एंड हैसेंट रिजनरेशन, सिम्टम ऑफ क्रॉनिक पॉइजनिंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वॉन जगस्ट वार इनवॉल्ट्री लॉफ एंड वॉल्ट्री वीपिंग एंड वॉकिंग बैकवर्ड, स्ट्रांगली एग्जरेट रिफ्लेक्स एंड फिजिकल डिस्टर्बेंस एविडेंस बाई मैन मेकिंग फन ऑफ ईच अदर्स गेट, पैराप्लेजिया प्रोग्रेसिव वास्टिंग फीबल एंड स्टेगरिंग गेट, आपको सिर्फ इतनी ही चीजों से इस दवा के बारे में आप समझ सकते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स आर ज्वाइंट विद नाइटली डिगिंग पेन, अगेन हनीमैन सर की बात, अस्थमेटिक पर्सन हु कैन नॉट लाई ऑन फीदर पिलो, जो नर्म जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल मुलायम जैसे चिड़िया के परों की तरह, ऐसे वो उस पर नहीं लाई कर सकता। सिफिलेटिक एंड कोलोरेटिक पेशेंट विद जनरल एनीमिया एंड पेलेटिक सिम्टम ऑफ ए बेनिफिटेड बाई दिस ड्रग, गाउट, क्रॉनिक अर्थराइटिस, स्पीकर एंड सिंगर्स। अब खास बात यह है कि ये दवा जो मैंगनम है, ये आपको स्पीकर एंड सिंगर की जब बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंटम की याद दिलाएगा, एनीमिया की बात करेंगे तो आपको फेरम की याद दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिक्स टाइप के सिम्टम मिल रहे हैं, दो तीन दवाओं के जो प्रिडोमिनेंट सिम्टम आपको हैं यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशन, जैसे फेरम में क्या है, एनीमिया विथ फॉल्स प्लेथोरा, अर्जेंटम नाइट्रिकम इज मोर एंजाइटी एंसियस वरीड पेशेंट एंटीसिपेटरी, तो यहाँ पे लेकिन बोन आपके लिए, अब इसके और भी कंपोनेंट हैं जैसे मैग्नीशियम कार्बोनिकम, इसका क्या इफेक्शन है देखो, फिर यहाँ पे आएगा बोन आर वेरी सेंसिटिव वर्सेस नाइट स्टूपिंग लाइंग ऑन ए फीदर बेड, तो यहाँ पे कई ऑथर्स ने क्या किया है कि मैग्नम एसिटिकम के सिम्टम को कई जगह पे मिक्स कर दिया है, जैसे अभी आपने ये जो सिम्टम है ये आपने पढ़ा है डॉक्टर बोरिक में मैग्नीशियम एसिटिकम, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नीशियम कार्ब में दिखा रहे हैं, फिर एक दवाई नहीं इसी का कंपोनेंट है मैग्नीशियम म्यूरेटिकम प्रूवन बाय लेम्बेक वर्टाई, अच्छा फिर मैग्नीशियम सल्फ्यूरिकम, मैग्नीशियम ऑक्सीडेटम, इन सब पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, फिर मैग्नीशियम मेटेलिकम, यहाँ पे जो क्या लिखा रीजन इनर इनर ईयर लैरिंग्स एंड ट्रेकिया लोअर इम पेरिओस्टियम ही, आप कोई भी मैंगनम उठाओगे तो आपको भूलना नहीं है कि वहां पे जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्ट है वो क्या है, पेरिओस्टियम है, अगर इस पॉइंट को आपने समझ लिया तो आपको मैंगनम प्रेस्क्राइब करना बहुत आसान हो जाएगा, और इसकी जो इन्फ्लामेशन है वो बनी रहती है,
यानी प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन है या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, इसीलिए ये दवा आपके लिए एक डीप एंटीसोरिक मेडिसिन का काम करेगी। और इसको जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो छोटा सा है, कि तब मैं इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे। इसके लिए एक की पॉइंट याद रखना, बोन और बोन में भी पेरियोस्टी इन्फ्लामेशन है, एवरी लिटिल इंजरी उससे ब्लू अल्सर बन जाएगा, ब्लू मार्जिन वाले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेरियोस्टी, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।